नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं क्योंकि मेरे नया रेसिपी पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे डोसा। डोसा के लिए ये सब सामग्री चाहिए। मैंने लिया है डोसा चावल, इसी ग्लास से 3 ग्लास उड़द दाल 1 ग्लास और 2 चम्मच मेथी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा से धोकर पानी में 4-5 घंटा के लिए भिगो कर रख देंगे। चावल और उड़द दाल को मैंने धोकर पानी भिगो कर इसमें रखा है। 4-5 घंटा बाद इसको ग्राइंडिंग करेंगे। 4 घंटा हो चुका है, चावल और उड़द दाल अच्छा से भीग चुका है। अब हम इसको ग्राइंडिंग करेंगे। अब हम उड़द दाल ग्राइंडिंग करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए उड़द दाल ग्राइंडिंग हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में डाल देंगे। हम सारा उड़द दाल ग्राइंडिंग कर लेंगे। ये देखिए उड़द दाल ग्राइंडिंग हो चुका है। अब हम इस चावल ग्राइंडिंग करेंगे। इसको दरदरा पीसना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए चावल को ऐसे ग्राइंडिंग करेंगे, दरदरा पीसेंगे। ये सारा चावल इसी तरह हम पीस लेंगे। दाल चावल को ग्राइंडिंग कर लिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे पेस्ट होना चाहिए। अब हम इसको ढककर 7-8 घंटा के लिए फूलने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरा के लिए चटनी तैयार करेंगे। चटनी के लिए ये सब सामग्री चाहिए। मैंने लिया 1 कप मूंगफली, इसको मैंने फ्राई करके इसका छिलका निकल कर रखा है। 1/2 कप नारियल को छोटा पीस काट कर रखा है। थोड़ा सा करी पत्ता, 1 चम्मच सरसों, 2 सूखा मिर्ची, सरसों का तेल, नमक। ये मूंगफली नारियल ग्राइंडिंग करेंगे। इसमें पानी डालना, 1 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी डाला है। ये चटनी तैयार हो चुका है। मैंने इसमें टोटल 1 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। 3-4 चम्मच इमली का जूस डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हो चुका है। अब हम इसमें सरसों मिर्ची डाल देंगे। करी पत्ता भी डाल। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको चटनी में थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालेंगे। मैंने 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी तो हम चटनी में डालेंगे। ठंडा हो चुका है। अब हम इसको चटनी में डाल देंगे। चटनी हमारा तैयार हो चुका है। हम डोसा के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला के लिए ये सब सामग्री चाहिए। मैंने ये बॉयल आलू को इसका छिलका निकाल कर रखा है। इसको स्मैश कर देंगे। थोड़ा सा करी पत्ता, 3-4 मिर्ची को छोटा पीस काट कर रखा है। 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 3 प्याज को गोल काट कर रखा है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसको स्मैश कर देंगे। इस मास हो चुका है। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। और ये मिर्ची भी डाल देंगे।
कड़ी पत्ता, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है, फ्लेम हाई कर देंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दें, इसको अच्छा से मिक्स कर लें। आलू मसाला तैयार हो चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे, सब फूल चुका है। अब हम मसाला डोसा बनाएंगे। एक बर्तन में थोड़ा सा पेस्ट निकाल देंगे, एक चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, 3-4 चम्मच पानी मैंने मिलाया, इसको मिक्स कर लेंगे। डोसा बनाएंगे, मैंने गैस पर एक नॉनस्टिक तवा रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है, इसको कपड़ा से चारों तरफ ऐसे फैला देना है। अब हम डोसा बनाएंगे, फ्लेम हाई रखेंगे। इस तरह इसको फैला देंगे, इसके चारों तरफ थोड़ा सा तेल डालने का, इसका ऊपर भी थोड़ा सा तेल डाल। एक तरफ हो जाएगा तो इसको पलट देंगे। रखेंगे, ये देखिए एक तरफ थोड़ा सा हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे। अब हम इसको पलट दें, इसके बीच में आलू रख दें। डोसा को इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मसाला डोसा हमारा तैयार हो चुका है, डोसा चटनी तैयार हो चुका है। मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसको जरूर एक बार घर पर बनाइए, खाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।